नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोरी हाउ और मैं हूँ भाग्यश्री आपके साथ। ऑलराइट, सबसे पहले तो हम अपडेट्स लेंगे। कल हमने देखा कि देश में सुपर साइक्लोन चक्रवात अम्फान ने अटैक किया, और इसके बाद कई तरह की वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी हुई। कई वीडियोस हमने फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए और इंस्टाग्राम के जरिए आप तक पहुंचाया। आप बाकी के वीडियोस हमारे फेसबुक पेज पर डेफिनेटली देख सकते हैं। किस तरह से तबाही का आलम रहा। उड़ीसा से ये तूफान निकलते हुए बंगाल में एंटर करता है, और बंगाल के स्पेशली कोलकाता और उत्तर 24 परगना में सबसे ज्यादा नुकसान देखा गया। तकरीबन 5,000 से ज्यादा घरों में कल नुकसान हुआ। कई जगहों पर जो ट्रांसफार्मर्स थे, जो इलेक्ट्रिक पोल्स थे, वहां पर आग लगी। कई जगहों पर कल से ही लाइट नहीं है। लोग इस गर्मी में बिना लाइट के रहने को मजबूर हैं। कई जगहों पर हालात बहुत खराब हैं। और बंगाल से स्पेशली जो मैंने अपडेट देखा, जो बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी अपडेट किया है, बंगाल में 72 लोगों की जान गई है इस कोरोना, इस माफ करेगा, इस अम्फान की चपेट में। और इस वक्त बहुत अच्छा स्थिति नहीं है बंगाल में। राहत और बचाव कार्य जो है वो तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त अम्फान जो है वो बांग्लादेश में एंटर कर चुका है। और दूसरी तरफ हमने ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि किस स्पीड से हवा बहते हुए गाड़ियों को चूर करते हुए, पेड़ों को गिराते हुए तहस नहस किया है बंगाल के अलग अलग इलाकों से। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आई हैं। कोलकाता एयरपोर्ट की भी हमने एक वीडियो शेयर की, जिसमें दो हैंगर्स, एयर हैंगर्स जो है वो टूट गए, और कोलकाता एयरपोर्ट को भी बंद करना पड़ा टेम्परेली, क्योंकि वहां पर पानी भर चुका था। इनफैक्ट कई इलाकों से हमने कुछ ऐसे वीडियोज देखे हैं जहां पर पूरी की पूरी गाड़ियां जो है वो पानी में डूबी हुई नजर आई। बड़ी बड़ी वहां पर जो बसेस चलती हैं, मिनी बसेस चलती हैं, वो दो टुकड़ों में नजर आई। तो आप समझ सकते हैं कि उसका जो पावर था साइक्लोन का, वो कितना पावरफुल रहा होगा, कितना शक्तिशाली रहा होगा, जिस तरह की स्थिति कल बंगाल में लोगों ने विटनेस की है। और उनका यही कहना था कि सालों बाद इस तरह का एक तूफान जो है वहां के लोगों ने महसूस किया है। तकरीबन 20-21 साल बाद इस तरह का एक पावरफुल तूफान वहां पर महसूस किया गया है, इसलिए वहां पर फिलहाल अभी राहत काम जो है वो किया जा रहा है। कई घरों को नुकसान हुआ है, उसको ठीक करने की कोशिश जो है वो शुरू हो चुकी है, और साथ ही कई लोगों की जान भी गई है। इसको लेकर भी बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आए और राज्य का दौरा करें। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई लोगों के घर उजड़ गए हैं, क्योंकि बंगाल में कल जो तूफान आया वो काफी भयानक रहा। 72 लोगों की इसमें जान गई है। और दूसरा यहाँ पर कुछ और अपडेट है, मैं वो भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ममता बनर्जी ने 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है, और 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी इस तूफान की। कोलकाता एयरपोर्ट को इसने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, और लगभग 72 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। और उन्होंने ये कहा है, जो वहाँ की सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है कि हालात अच्छे नहीं है। वो प्रधानमंत्री से मांग करती हैं कि वो आए और पश्चिम बंगाल का दौरा करें, और हवाई सर्वेक्षण भी वो करने वाली हैं। लेकिन वो इंतजार कर रही हैं कि थोड़ा हालात जो वो बेटर हों और वो जाए और मिल पाए। साथ ही जिन भी लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उन लोगों के परिवारजनों को 2 लाख मुआवजे का भी ऐलान पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। और अब ये भी अपडेट है कि जो कि वहाँ की मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूरे बंगाल में, कोलकाता में 15, हावड़ा में 7, उत्तर 24 परगना में 17, ईस्ट मिडनापुर में 6, साउथ 24 परगना में 18, नदिया में 6 और हुगली में 2 लोगों की मौत हुई है। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही भयानक था, और पेड़ों के गिरने और बिजली गिरने से लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा तूफान से जो तबाही है वो बंगाल में देखा गया है, क्योंकि कई इलाकों में पानी भरा हुआ था। 6 घंटे का जो ये तूफान था, और पूरी तरह से शहर को क्षतिग्रस्त कर चुका है। कई इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो कि पानी में डूबे हुए हैं। और अब ये अपडेट है कि बंगाल और उड़ीसा के बाद ये जो चक्रवाती तूफान है, ये बांग्लादेश में तबाही मचाने जा रहा है। और उम्मीद है कि शायद ये कयास लगाए जा रहे हैं, इनफैक्ट अलर्ट भी हाई कर दिया गया है बांग्लादेश में, कि वहां भी कुछ इस तरह की स्थिति जो है वो बन सकती है।
तो ये इस तरह की कुछ तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर हमने भी अपडेट किया है, किस तरह की स्थिति वहां पर है इस वक्त। बंगाल में इस वक्त काफी क्षतिग्रस्त हुए हैं और फिलहाल एयरपोर्ट को भी कुछ टाइम के लिए बंद रखा गया, ताकि जब तक पानी क्लियर ना हो जाए, रनवे क्लियर ना हो जाए, तब तक वहां से फ्लाइट का निकलना जो है वो मुश्किल है। चलिए, कोरोना को लेकर क्या अपडेट है हम उस पर नजर डालते हैं, क्योंकि हालात हमारे देश में इस वक्त बहुत अच्छे होते हुए नहीं दिख रहे हैं। लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि मैं अपडेट यहाँ पर देख रही हूँ, आंकड़े लगातार कोरोना मरीजों के बढ़ रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दूं कि जो कुल संख्या है हमारे देश में, 1,12,359 एक्टिव केसेस हैं, 63,624 रिकवरी रेट है, 45,299, और कुल मौत के आंकड़े अगर उस पर नजर डालें तो 3,400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। दूसरी बड़ी अपडेट है कि 25 मई से डोमेस्टिक उड़ानों की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए सरकार ने किराए की अधिकतम सीमा भी तय कर दी है, और इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें 25 मई से शुरू होने जा रहे डोमेस्टिक उड़ानों को लेकर जानकारी दी है कि किस तरह की चीजें जो है यहाँ पर होंगी और लोगों को किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर बताया है हरदीप सिंह पुरी ने कि उड़ानों को शुरू करने के बाद मेट्रो टू मेट्रो शहरों के लिए अलग अलग नियम होंगे, और जो नॉन मेट्रो शहर यानी कि जो महानगर शहरों के अलावा जो दूसरे शहर है उनके लिए नियम थोड़े से अलग रखे जाएंगे। तो जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन यानी कि सेंट्रल सिविल एविएशन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि सोमवार यानी कि 25 मई से देश में डोमेस्टिक फ्लाइट्स का संचालन जो है शुरू होगा। इसके लिए एयरपोर्ट्स और जितने भी एयरलाइंस कंपनी है उनको तैयारी करने के लिए जानकारी ऑलरेडी दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि जो भी किराए की सीमा तय की गई है, अधिकतम और न्यूनतम, वो सभी एयरलाइंस को मानना होगा। जैसे कि दिल्ली और मुंबई के बीच 90 से 120 मिनट की उड़ान कम से कम 3,500 रुपए की होगी और मैक्सिमम 10,000 होगा, और फिलहाल 3 महीने के लिए ये जो नए नियम है वो जारी रहेंगे, यानी कि 24 अगस्त तक ये रेट जो है वो वैलिड रहेगा और सारे एयरलाइंस को इसे मानना ही होगा। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया है कि विदेश में जो भी भारतीय नागरिक बसे हुए हैं उनको वापस लाने की का जो काम है, जो मिशन है, वो शुरू हो चुका है। 20,000 से ज्यादा लोगों को अब तक लाया जा चुका है और आगे धीरे धीरे जितने और हैं उनको भी लाया जाएगा। तो ये उन्होंने जानकारी दी है। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया है कि 25 मई से जो भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू हो रही हैं उनमें जो भी ट्रैवल करेंगे उनको प्रोटेक्टिव गियर और फेस मास्क लगाना जरूरी होगा, सैनिटाइजर की बॉटल उनको साथ में रखना कंपलसरी होगी, और एयरलाइंस फ्लाइट में कोई खाना सर्व नहीं करेंगी, पानी की जो भी बॉटल होंगी वो गैलरी एरिया और सीटों पर मुहैया कराई जाएंगी। तो ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि फ्लाइट्स में ये तमाम नियम जो है वो जारी रहेंगे, और कुछ चेंजेस भी इनमें होंगी, और उसके बाद ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बारे में सोचा जा सकेगा। अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर कोई अपडेट जो है वो नहीं दिया गया है। ऑलराइट, तो ये फ्लाइट्स को लेकर जानकारी है। दूसरी तरफ कुछ और अपडेट्स हैं, मैं आपको वो भी बता दूं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि फ्लाइट में जो भी यात्रा करेंगे उनके लिए कुछ नए नियम होंगे। सिर्फ एक चेक इन बैग आप लेकर जा सकते हैं। उड़ान में किसी तरह के खाने पीने की चीजें आपको नहीं सर्व की जाएंगी, पानी की बॉटल आपकी सीट तक दी जाएंगी। तो अगर आप फ्लाइट लेने की सोच रहे हैं इसके बाद, तो आपको ये तमाम चीजें जो है वो मालूम होना बहुत जरूरी है। वेब चेक इन आपको करके चलना पड़ेगा, ठीक है, और उसके अलावा आपको केवल एक चेक इन बैग अलाउड होगा, और केबिन बैग ले जाने की आपको फिलहाल कोई सुविधा नहीं होगी, यानी कि आप केबिन बैगेज ट्रैवल नहीं कर सकते हैं लेकर, और खाना नहीं परोसा जाएगा। ग्लव्स और मास्क पहनना आपके लिए कंपलसरी होगा, और पूरे ट्रैवलिंग टाइम के दौरान आपको पहनना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग होगी, और जिनको कोई लक्षण नहीं दिखाई देगी सिर्फ उनको ही फ्लाइट लेने की अनुमति दी जाएगी। दूसरी तरफ 14 साल से कम आयु के बच्चों के अलावा और सभी लोगों को फोन में आरोग्य सेतु ऐप को रखना कंपलसरी होगा। फ्लाइट के टेक ऑफ के कम से कम 2 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना होगा। टर्मिनल एंट्री वही ले पाएंगे जिनकी फ्लाइट 4 घंटे बाद या उससे कम समय के भीतर है। तो ये देखिए तमाम नियम है, इन चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है कि इस वक्त हमारे देश में जो महामारी है,
उस दौरान अगर हमें फ्लाइट शुरू करनी पड़ रही है ताकि लोग अपने घरों तक जा सके या लौट सके, तो ये तमाम नियमों का पालन करना कंपलसरी होगा और लोगों को इसे मानना ही होगा। ऑल राइट, दूसरी तरफ मुझे एक और अपडेट इस वक्त मिल रहा है यूपी से। देखिए, यूपी के नोएडा में कोरोना वायरस के 9 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस वक्त मरीजों की संख्या यहाँ पर 302 हो चुकी है। तो नोएडा इस वक्त लगातार यहाँ पर मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ये एक अच्छी खबर नहीं है। नोएडा में कई सारी रेजिडेंशियल एरिया हैं, नोएडा में ऑफिसेज और वर्क प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे में लगातार नोएडा में मामले बढ़ रहे हैं। इस वक्त नोएडा में कुल संख्या 302 हो गए हैं और आज के आज यहाँ पर 9 नए मामले जो हैं वो देखा गया है। ऑल राइट, तो ये अपडेट फिलहाल नोएडा को लेकर थी। ये तमाम जानकारी जो है नोएडा से आ रही है। क्या कुछ और अपडेट है, हम उस पर नजर डालते हैं। दिल्ली सरकार ने शराब पर 70% कोरोना सेस का फैसला जो है वो वापस ले लिया है। दूसरी तरफ चंडीगढ़ में एक ही कॉलोनी के 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना के 10 नए मामले हैं। मरीजों की संख्या 132 हो चुकी है। दूसरी तरफ दिल्ली से अपडेट था, तिलक नगर में एक फर्नीचर के दुकान में आग लगी। फिलहाल वहां पर दमकल की गाड़ियां जो है वो पहुंच चुकी हैं। ऑल राइट, और दूसरी तरफ पीएम मोदी ने अम्फान को लेकर ट्वीट किया है आज की मुश्किल घड़ी में देश बंगाल और ओडिशा के साथ है और हर तरह की हेल्प जो है वो इन स्टेट्स को प्रोवाइड की जाएगी। मुंबई की कांदिवली में प्रवासी मजदूरों की भीड़ इकट्ठा हो गई, घर भेजने की वो मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, कर्नाटक में 116 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं और फिलहाल कर्नाटक में 1568 कोरोना पॉजिटिवों की संख्या है। वहीं यूपी के जौनपुर से भी अपडेट है, जौनपुर में 16 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, 15 लोग मुंबई से वापस आए थे। आंध्र प्रदेश में भी 45 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं और फिलहाल आंध्र प्रदेश में आंकड़े 2452 हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 50 लाख के ऊपर जा चुकी है। ये कोरोना मरीजों की संख्या टोटल पूरे दुनिया भर की है, जहां पर 50 लाख के ऊपर ये संख्या जो है वो जा चुकी है। लखनऊ की बात करूंगी, लखनऊ में भी कोरोना से दूसरी मौत हो चुकी है। जो सब्जी विक्रेता था जो कोरोना पॉजिटिव था, उसने अस्पताल में दम तोड़ा। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में आबकारी विभाग ने शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है, जो कि अपडेट अभी हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पर नेपाल से अपडेट है, नेपाल में सुबह हल्के झटके भूकंप के महसूस किए गए हैं। भक्तपुर जिले के अनंत लिंगेश्वर में तकरीबन 3.4 तीव्रता के भूकंप का झटका जो है वो महसूस किया गया। दूसरी तरफ दिल्ली में आज से सभी पार्क और गार्डन खोले गए हैं, लेकिन शर्तों के साथ ही यहाँ पर जाने की इजाजत होगी, यानी कि जो रेस्ट्रिक्शंस दिल्ली में इन पार्क्स के लिए रखी गई है उनको मानना जरूरी होगा। दिल्ली के मंडोली जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी कोरोना पॉजिटिव है। दूसरी तरफ अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण पिछले 24 घंटों में 1561 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, मौत के आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी 249 नए कोरोना मरीजों की जो है पुष्टि यहाँ पर हो चुकी है। मध्य प्रदेश की बात करूंगी, इंदौर में भी तकरीबन 59 नए केसेस हैं। अब तक वहां पर 2700 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं। तो यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी होते हुए नजर नहीं आ रही। तमिलनाडु में भी अब तक 87 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना वायरस की वजह से गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2250 नए मामले हैं, 65 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो अब आप समझ रहे हैं कि किस तरह से स्थिति जो है वो बिगड़ रही है हमारे देश में, किस तरह से जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रही हैं। ऐसे में सरकार के लिए डेफिनेटली एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। एक तरफ तूफान है, एक तरफ कोरोना है और काफी सारी चीजें हो रही हैं और इन सब चीजों को मैनेज करना आसान चीज नहीं है यहाँ पर। और लेकिन किस तरह से चीजों को हैंडल किया जाएगा, किस तरह से टेस्टिंग किट्स बढ़ाई जाए, रैपिड टेस्टिंग शुरू की जाए ताकि इस पर कुछ कंट्रोल जो है वो पाई जा सके, क्योंकि इस वक्त वाकई में ये काफी बड़ा चैलेंज है। तो फिलहाल हम यही अपडेट देख रहे हैं। मैं बॉलीवुड की भी कुछ अपडेट्स आपको जरूर दे देती हूँ कि बॉलीवुड में भी क्या कुछ चल रहा है। बाहुबली के चर्चित एक्टर राणा डुगुपति
का ऑफिशियल इंगेजमेंट हुआ है, जिसकी तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड मीका बजाज के संग उनका रोका हुआ है और उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर छाई हैं। मीका बजाज मॉडल हैं और सोनम कपूर, एक्ट्रेस सोनम कपूर की काफ़ी खास दोस्त हैं। उनकी शादी में भी मीका नजर आई थी और अब इन दोनों ने फाइनली इनकी प्री वेडिंग जो फेस्टिविटीज जो रिचुअल्स हैं उसकी शुरुआत हो गई, जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ बॉलीवुड के मंझे हुए कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी जो है वो 11 साल, शादी की 11 साल बाद उन्हें डिवोर्स देने जा रही हैं, जिसको लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस वक्त सुर्खियों में छाए हुए हैं। एक तरफ वो ईद के दौरान अपने घर पहुंचे हैं मुंबई से मुजफ्फरनगर, जहां पे उनको क्वारंटाइन में रखा गया है। दूसरी तरफ अपने तलाक के मामले को लेकर भी इस वक्त नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो चर्चा में छाए हुए हैं। दूसरी तरफ रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी इन दिनों काफी लाइमलाइट में आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये दोनों साथ में रह रहे हैं। इसको लेकर भी रणबीर कपूर को ट्रोल किया जा रहा है कि वो इस वक्त अपनी माँ को छोड़कर आलिया के साथ रह रहे हैं। आलिया ने कुछ दिन पहले एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने अपने नए हेयरकट के बारे में बताया था, और कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर ने उनको ये हेयरकट दिया, और इसके बाद से ये दोनों जो है काफी चर्चा में लगातार बने हुए हैं, जैसे कि मैं अपडेट्स यहाँ पर देख रही हूँ। कई स्टार्स हैं जो ऑनलाइन कई तरह की क्लासेस ले रहे हैं, अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। अनन्या पांडे जो है वो बेली डांस सीख रही हैं, शाहरुख खान की बेटी जो है वो भी ऑनलाइन डांस और बेली डांस सीख रही हैं। तो कुछ इस तरह की खबरें और कुछ इस तरह के अपडेट्स जो हैं वो सोशल मीडिया और बॉलीवुड से हैं। कंगना रनौत ने इन दिनों एक बहुत खूबसूरत पोएम लिखी थी जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, और हमने भी हमारे फेसबुक पेज पर शेयर की है। तो कुछ इस तरह से बॉलीवुड से भी अपडेट जो है वो लगातार आ रहे हैं। सभी लोगों ने अपने हर दिन के अपडेट्स जो है सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ शेयर की। कई लोग फिटनेस के कई ट्रिक्स और टिप्स जो है अपने फैंस के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप भी इस क्वारंटाइन पीरियड को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। इस क्वारंटाइन पीरियड में आपने ऐसी क्या चीज़ें की हैं जो पहले आपने नहीं की हूँ, आप वो शेयर कर सकते हैं। आप हमें अपने वीडियोस भेज सकते हैं storyhow.khabar@gmail.com पर। घरों के अंदर रहें, सेफ रहें, और अपने अब जिस भी इलाके में रहते हो जोन के हिसाब से जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन जरूर करते रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव।